हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजफ्फर खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन ब्लॉगर में। सो बेसिकली आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक वुड मार्बल कटर की, जो कि आपके सामने आप देख सकते हैं। ये स्टैनली ब्रांड का वुड मार्बल कटर है। इसका मॉडल नंबर है STSP125। सो इसका हम जानेंगे आज पूरा इसमें डिटेल्स और इसमें क्या फीचर्स है और क्या एक्सेसरीज हमें इसमें मिलती है और इसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी बातें करेंगे। और कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं कुछ लोगों के, जो जिसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और सबसे ज़्यादा जो लोग क्वेश्चन करते हैं प्राइस से रिलेटेड और कहाँ से इसे कैसे परचेस करें, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं अमेज़ोन से मैंने परचेस किया है और मुझे इसका प्राइस पड़ा है 3099 रुपीज़। प्राइस जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होते रहता है। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको 3000 के अराउंड ये मशीन जो है अमेज़ोन पर मिल जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, इसकी जो ऊपर की रैपिंग है वो हमने पहले से खोल के रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का इमेज मशीन का। यहाँ पे कुछ बॉक्स में मुझे डैमेज दिखाई दे रहा है। सो बॉक्स में अगर डैमेज है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, बट अगर प्रोडक्ट में किसी तरह का डैमेज है या डिफ़ॉल्ट है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, सो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। 10 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है, आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, या फिर आप उसके अलावा इसे रिप्लेस करके दूसरा प्रोडक्ट मंगा सकते हैं सेम। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। स्टैनली का नाम है यहाँ पर, आपको दिया गया 1320 का इसका जो मोटर है और 125 mm टाइल कटर, मतलब 125 mm का आपको ब्लेड इसमें आप लगा सकते हैं। 5 इंच का ब्लेड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे खोलते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पाउच मिलता है। पाउच में आपको यहाँ पे कुछ इसमें रिंच वगैरह और इसमें जो पाइप वगैरह दी है, ये पाइप जो है बेसिकली आप जब मार्बल या टाइल वगैरह कटिंग करते हैं तो पानी का इस्तेमाल करने के लिए पाइप दिया गया है, नोज़ल वगैरह। और यहाँ पे 2 रिंच दिया गया है जिससे आप ब्लेड को जो है चेंज कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं। और यहाँ पर बॉक्स में हमें दूसरा यहाँ पे एक वारंटी कार्ड मिलता है। यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड को फिल करके इनवॉइस के साथ में आपको कस्टमर सपोर्ट को सेंड करना होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें एक हमें मैनुअल गाइड मिलता है कि हमें इसे इंस्ट्रक्शन गाइड किस तरह से इसे इस्तेमाल करें वगैरह। सो आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मेन पार्ट है प्रोडक्ट जिसे हमने मंगाया है, ये आप देख सकते हैं। बाकी बॉक्स में अभी और कुछ नहीं है। सो आप देख सकते हैं मशीन लुक वाइज काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। येलो कलर में ये मशीन मिलती है, साथ ही साथ इसमें ब्लैक कलर दिया गया है। सो काफ़ी देखने में काफ़ी लुक वाइज बहुत स्मार्ट लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। बात करें मशीन की तो आपको यहाँ पे 1.5 मीटर तक का वायर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हैंडल ग्रिप मिलती है जो कि काफ़ी हाथ में अच्छे से बैठ रही है, इजीली आप इसे पकड़ के चला सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रिगर बटन मिल जाता है जिससे आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रिगर लॉक स्विच मिल जाता है जिससे आप इजीली एक बार ट्रिगर को लॉक करके डायरेक्ट चला सकते हैं। और ट्रिगर को आप दबाएंगे तो लॉक स्विच जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक व्हील गार्ड मिल जाता है जो आपको डस्ट वगैरह से और किसी तरह का डैमेज ना हो उससे आपको सेफ रखता है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में आपको एक बेस प्लेट मिलती है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ नॉब के थ्रू कि आपको कितना डेप्थ काटना है। सो यहाँ पे आप व्हील लगाएंगे, यहाँ पे रिंच से खोल के यहाँ पे व्हील जो है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। और इसमें जो है हम 5 इंच का ब्लेड लगा सकते हैं। 5 इंच के ब्लेड से हम जो मैक्सिमम डेप्थ जो है वो 40 to 40 mm तक की काट सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें पीछे, तो पीछे में हमें कार्बन ब्रश का जो एरिया मिल जाता है, तो कभी भी प्रॉब्लम हो मशीन में तो कार्बन ब्रश को हम पहले चेक कर लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, येलो एंड ब्लैक कलर्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आगे का जो व्हील गार्ड मैंने आपको बताया, ये कास्ट आयरन का होता है। ये सारी मशीन में बेसिकली कास्ट आयरन का ही होता है और बॉडी जो बाकी यहाँ पे प्लास्टिक की है। और कलर आप देख सकते हैं येलो एंड ब्लैक में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सो मैंने आपको बताया कि 2-3 क्वेश्चन जनरली कुछ लोग पूछते हैं तो उसका मैं आंसर दे दूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है कि लोग पूछते हैं 4 इंच एंड 5 इंच की मशीन में, मतलब 4 इंच और 5 इंच की मशीन के ब्लेड में क्या अंतर होता है। तो उसमें अंतर ये है कि 4 इंच की जब आप मशीन लेते हैं, 4 इंच का उसमें कैपेसिटी होता है ब्लेड का, सो उसमें जो डेप्थ कटिंग है वो आप कम कर पाएंगे। और 5 इंच के ब्लेड में आपको डेप्थ कटिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलती है क्योंकि ब्लेड जो है बड़ा होता है। और हमारे एक और यूज़र ने जो पूछा था
क्या ये मशीन पुश करती है, बैक पुश करती है, पीछे मतलब ये झटका लेती है। सो इस टाइप की आप मशीन कोई भी लेंगे तो पीछे की तरफ झटका लेगी अगर आप उसे रॉन्ग तरीके से काटेंगे, क्योंकि इसमें जो 4 से 5 इंच का ब्लेड लगता है जो कि स्ट्रेट कटिंग के लिए बनाया गया है, और अगर आप रॉन्ग वे में उसको कुछ कटिंग करेंगे, तिरछा काटेंगे, मशीन को थोड़ा बहुत भी हिलाएंगे डुलाएंगे तो मशीन जो है बैक पुश करेगी। सो बेसिकली बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मशीन का जो मोटर है वो 100% कॉपर होता है। तो यहाँ पे जो कंपनी का कहना है कि कंपनी जो इसमें 100% जो है कॉपर मटेरियल ही डालती है मोटर में, मोटर वाइंडिंग में। तो बात करें इसके अगर वेट की, तो वेट इसका है 3.1 kg, और ये इसका जो मोटर है वो 1320 वॉट का मोटर है, और इसका मोटर की जो RPM है वो 13500 है। लुक वाइज आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी स्टाइलिश लग रही है, बहुत ही ग्रेट लुक दे रही है। और इसके क्वालिटी की बात करें तो मटेरियल काफ़ी अच्छा इसमें यूज़ किया गया है, और ग्रिप वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है बहुत ही। और अभी हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे, यहाँ पे इसका अभी हम व्हील लगाएंगे और इसे हम कुछ वुड वगैरह कटिंग करके आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन कैसी, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ऑल ओवर अगर बात करें मशीन की तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। और अगर इसके कॉन्स की बात करें तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं बॉश की GDC 121 से, सो आपको 600 ग्राम का अंतर देखने को मिलता है। बॉश की GDC 121 आपको 2.5 kg में मिल जाती है, और ये आपको 3.1 kg की मिलती है। तो थोड़ा सा ये हैवी मशीन है वेट वाइज, तो थोड़ा सा आपको हैवी पड़ेगी, बट अगर आप हैवी मशीन यूज कर सकते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ले सकते हैं। बट अगर आपको हैवी यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो आप बॉश की GDC 121 भी ले सकते हैं, जो कि हम काफी समय से यूज कर रहे हैं और उसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बट अगर बात करें रिव्यू वगैरह की, तो बहुत सारे जो कस्टमर है, कंज्यूमर लेते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, तो कुछ आपको बैड रिव्यूज आपको देखने मिलेगा। बट अगर मेरे ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो मशीन काफी अच्छी है, इसका बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। प्राइस इसका जो है थोड़ा सा मुझे हाई रेंज लग रहा है, 200-300 रुपए इसका प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए था, ये लगभग आपको 2800 तक की मिलना चाहिए था। वैसे अमेजोन पे प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहता है, सो आप चेक कर सकते हैं, 2900 के आसपास भी आपको ये मिल जाएगी, मुझे 3099 रुपीज में पड़ी है, 3099 रुपीज में। और बात करें अगर बॉश की मशीन GDC 121 की, तो वो भी आपको 3200 के आसपास, 3200 के आसपास में वो आपको मिल जाएगी। बट अगर आपको ये दोनों मशीन में कुछ प्रॉब्लम लगता है इस ब्रांड में, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2-3 ब्रांड और है जो इससे रिलेटेड है, इसके अल्टरनेट जो कि काफी अच्छे हैं, उससे उसके साथ आप जा सकते हो, परचेस कर सकते हैं, जैसे कि मकीटा की आप ले सकते हैं, डीवॉट की मशीन ले सकते हैं, या फिर आप ब्लैक डेगर के साथ जा सकते हैं। प्राइस का अंतर थोड़ा बहुत आपको 200-300 रुपए का दिखेगा सभी मशीनों में। और अगर आप आईबेल की मशीन लेना चाहते हैं मार्बल कटर, तो मैंने इसके पहले एक परचेस किया था, मेरा एक वीडियो भी है, सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसे 2 बार मंगाया और दोनों बार ही उसमें कुछ मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला, उसमें प्रॉब्लम नजर आई, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बाकी ये मशीन जो है एक अच्छी क्वालिटी में मुझे मिली है, सो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। और बॉश की भी हम काफी समय से यूज कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बॉश की और इस मशीन की, सो आप जाके चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं अपने अनुसार जो भी आपको बेस्ट लगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।